नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो इंडियन सोशल वॉइस न्यूज और आपके साथ हूं मैं भारत वानिका। साथियों, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के बाद में कांग्रेस सरकार द्वारा आज से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और आम इलाके जो ग्रामीण इलाके में आप देख सकते हो लोगों का हुजूम किस तरह, ग्रामीण जो कांग्रेस को हाथ मिलाने के लिए और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार है। हम पूर्व मंत्री श्री रतन जी बिराजी से भी बात करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में सरकार की तरफ से जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में निकाल रहे हैं, विधानसभा सुनाम नजदीक है और एक तरफ बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है, कांग्रेस का विधानसभा चुनाव को लेकर क्या नई रणनीति है और धरातल पर क्या कार्य योजना चल रही है? सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो ये हाथ से हाथ जोड़े यात्रा है वो धरातल पर ग्रामीणों का, आमजनों का, कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम उठ रहा है और जो वर्तमान राजस्थान सरकार है उसका जो अभी हाल ही में बजट पेश हुआ है और इसको लेकर जनता में उत्साह है क्या? देखिए, ये भारत जोड़ो यात्रा जो है वो राहुल गांधी जी ने, देश आजाद होने के बाद में राहुल गांधी जी एकमात्र नेता है जिन्होंने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पद यात्रा की हजारों किलोमीटर की। हमने राजनीतिक व्यक्तियों को, सामाजिक व्यक्तियों को, राजनीतिक दल के नेताओं को रथ यात्रा निकालते हुए, वाहन रैली निकालते हुए देखा होगा, मगर देश आजाद होने के बाद पहली बार राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पैदल यात्रा की, हजारों किलोमीटर पैदल चले। इसका साफ संदेश है, संदेश नहीं है कि सत्ता प्राप्त करने के लिए यात्रा निकाली है जी। ये यात्रा जो है वो इसलिए निकाली कि हमारा देश जिसलिए जाना जाता है विश्व के अंदर कि विभिन्न राज्य है और इतना बड़ा मुल्क है हमारा, करोड़ों का मुल्क है, वो एक है, विभिन्न संस्कृतियां है, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न जाति बिरादरियों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और वो सारे एक होके रहते हैं। ये इस देश की खूबसूरती है, हमारे सामाजिक व्यवस्था की खूबसूरती है। ये व्यवस्था राजनीति की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, राजनीति में सत्ता सुख प्राप्त करने के लिए और राजनीति में सत्ता पे बैठने के लिए नहीं है। हम सत्ता पे आज जो माहौल बना हुआ है, सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता पे पहुंचने के लिए जातियों को, धर्मों को आपस में लड़ाया जाता है और इस प्रकार का वातावरण बन जाता है जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ये संदेश जो राहुल जी ने दिया और आज ये जो हजारों लोग आपके सामने पद यात्रा कर रहे हैं हाथ से हाथ जोड़ने की, ये भारत जोड़ो का संदेश है और संदेश साफ है कि सब एक रहो, गांव के अंदर विभिन्न जातियां बिरादरियां धर्म एक होकर रहते हैं, वही हमारी सामाजिक खूबसूरती है, उसको कायम रखे और हम लोग राजनीति के चक्कर में ना पड़ के हमारी जो व्यवस्थाएं हैं इस देश की, क्षेत्र की, गांव की, उन व्यवस्थाओं को कायम रखे और हमारा देश मजबूत दिन बर दिन होता जाए, ये संदेश है जी। सर, जो अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना की 50 लाख तक का लिमिट बढ़ा दी और उसके बाद में किसानों के लिए, जो आमजन के लिए जो राहत है बजट में, और उसमें अभी जो सरकार द्वारा जो बजट में अभी जो किसानों के लिए जो बिल्कुल लाइट फ्री हो चुकी है अब तो बिल्कुल, उसके बाद में लिमिट बढ़ा दी है और उसके बाद में जो चिरंजीवी योजना है उसकी लिमिट 25 लाख तक की कर दी है और तो सरकार मतलब बिल्कुल आम जन को सीधा कनेक्ट होना चाह रही है, तो चिरंजीवी योजना राजस्थान के पूरे देश में इस योजना से पूरा राजस्थान कनेक्ट हो गया और देश की सबसे पहली चिरंजीवी योजना है जो मुख्यमंत्री द्वारा जो पूरा राजस्थान कनेक्ट है और आम जन को बेहतर सुविधा मिल रही है चिरंजीवी। देखिए, राजस्थान की जो सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, सोशल वेलफेयर की जो स्कीमें हैं वो देश में नंबर वन की स्कीमें हैं। राजस्थान सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण की स्कीमों में एक रोल मॉडल है देश के अंदर। जब जब भी सरकारें कांग्रेस की आई है तब तब जो है कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को और जो समाज में अंतिम छोर में बैठा है उस व्यक्ति को हर क्षेत्र में लाभान्वित करने की दृष्टि से सारी योजनाएं बनाई गई है। अब चिरंजीवी योजना है उसका कितना लाभ लोगों को मिल रहा है, वर्तमान बजट में उसको बढ़ा भी दिया है, उसके पैसे भी बढ़ोतरी की है, तो मैं समझता हूं कि वो या सामाजिक सोशल वेलफेयर की दूसरी स्कीमें है या किसानों को बिजली इतने यूनिट तक फ्री देने की बात है, ये तमाम चीजें है ये कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं क्योंकि वो भावनाएं जानते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। केवल भाषणों से, बातों से काम नहीं होता, आम व्यक्ति को, समाज में अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को किस प्रकार से लाभान्वित किया जा सकता है उसके दृष्टिगत होते हुए आपको जो है आपकी योजनाओं को लागू करना पड़ता है जी। सर, अभी सर विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और नए नए मोर्चे खोले जा रहे हैं और पार्टी में भी, कांग्रेस हो या बीजेपी में, उसके संबंध में आपकी देखो, तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि आज हमारी पद यात्रा भारत जोड़ो का संदेश देने और हाथ से हाथ जोड़ो के लिए है, तो मैं नहीं समझता कि इतना पुण्य और पावन जो काम हो रहा है इस देश में, जो मिसाल राहुल जी ने पेश की है और जो हम लोग जो है ये पद यात्रा कर रहे हैं उस मकसद से, तो उसमें अगर राजनीति और चुनावों की बात
करे तो जो मकसद हमारा है हम खुद ही वो बात नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, मगर फिर भी मैं कहता हूँ कोई व्यक्ति सामाजिक काम में हो, खुद के समाज में काम में हो, राजनीति में हो, सबको आम और गरीब व्यक्ति के लिए और अपने क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अगर वो आप काम करोगे तो अपने आप जब समय आएगा तो वो लाभान्वित हो जाएंगे, जनता उसको पुरस्कृत कर देगी। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और रतन जी निवासी ने ये हाथ से हाथ जोड़े यात्रा को आम जन से सीधा कनेक्ट करना, बजट में जो महत्वपूर्ण सरकार की घोषणा हुई सीधा आम जन तक पहुंचाना, और वास्तव में जो राजस्थान सरकार की किसानों और मजदूरों के बीच में जो चिरंजीवी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसको 5 लाख 15 लाख और 25 लाख तक कर दी और आम जन सीधा इससे कनेक्ट हो गया है और बेहतर सुविधाएं मिल रही है लोगों को, किडनी ट्रांसफर से वो सभी सुविधाएं आम जन को बेहतर मिल रही है।